वेलकम टू पटाया वॉकिंग स्ट्रीट। समोसा हाउ मच? 10 baht 1। ये वाला स्ट्रीट उनके लिए है जो पूरे के पूरे गे हैं भाई, पूरे गे लोगों के लिए, पूरे गे लोग भरे पड़े हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग दोस्तों, स्वागत है आपका पटाया पे। वेलकम टू पटाया, और मैं हुआ है अभी पटाया पे, और बस शाम को ही पहुंचा भाई। पिछले व्लॉग में आप देखे ही होंगे, तो मैं सबसे पहले आपको मेरा होटल दिखाता हूँ। पता होटल नहीं, हॉस्टल है, जो स्कांडिया बीच हॉस्टल है भाई, एक नंबर हॉस्टल है। रिस्ट्रिक्शन बहुत है लेकिन ठीक है, एक नंबर हॉस्टल है। आपको दिखाता हूँ, इस गली पे है भाई, इस गली पे भी पूरा माहौल बन रखा है ना, एकदम ही ज़्यादा माहौल हो रखा है। स्कांडिया बीच हॉस्टल, तो आपको दिखाता हूँ भाई यहाँ का क्या है। तो कुछ इस तरह है यहाँ का एंट्रेंस, यहाँ इस होटल पे इनका खुद का एक रेस्टो भी है, यहाँ पे अपन कुछ भी खा सकते हैं। तो ये है भाई जमटी बीच हॉस्टल, तो यहाँ का ये रिसेप्शन है। यहाँ पे शूज रखना पड़ता है, कुछ इस तरह है भाई यहाँ का हॉस्टल। यहाँ पे किचन भी है, यहाँ पे टीवी भी है, यहाँ पे गेम भी खेल सकते हैं, यहाँ पे फ्रिज भी है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये पानी भी ले सकते हैं गर्म ठंडा, टोस्ट करने का भी है, ये भी है, सब है यहाँ पे सब चीज़। इफ़ यू आर फिनिश्ड यूजिंग अ ग्लास प्लेट एंड स्पून प्लीज़ क्लीन इट, सब चीज़ खुद कर सकते हो यहाँ पे। सब हॉस्टल में रहने वाले हैं, अब चलते हैं भाई अंदर। भाई एसी भी लगा हुआ है, मतलब ज़्यादा हल्ला नहीं कर सकते हैं, तो एसी भी है ठीक है। और ये वाला है मेरा बेड, देखो भाई कितना अच्छा बेड है, टॉवेल भी दिया गया था, ये भी दिया, अच्छा बेड है। यहाँ का मैं आपको पूरा सीन प्रॉपर बताता हूँ, बाथरूम भी है, बाथरूम भी एक नंबर है। इफ यू स्टिल समथिंग फ्रॉम द हॉस्टल चार्ज 1000 baht एंड प्रोसीड अकॉर्डिंग टू लॉ। बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। भाई रिस्ट्रिक्शंस तो बहुत हैं यहाँ, लेकिन हॉस्टल एक नंबर है भाई, एकदम सही से है। मैं क्या है, ऑनलाइन बुक किया तो मेरे को महंगा पड़ा, लेकिन यहाँ पे आओगे तो 220 baht में हो जाएगा। 220 baht यानी आपको 500 rupees लगभग में आपका हॉस्टल मिल जाएगा, आपको समझ रहे हो ना, 500 to 550 rupees में। लेकिन मैं थोड़ा महंगे में किया, छोड़ो अब मैं महंगे में कर लिया तो क्या ही बात करें। लेकिन आप भी जब भी आए तो यहीं देख लेना। लेकिन यहाँ पर वॉकिंग स्ट्रीट है 4 kilometers दूर भाई, 4 kilometers दूर, लेकिन यहाँ पर आपको इंडियंस मिलेंगे ही नहीं। क्यों भाई? क्योंकि भाई ये जगह ही एकदम खतरनाक है, एक नंबर जगह ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वो लगता है क्या मार्केट, इधर भी पब्स एंड बार है, इस गली में भी पब्स एंड बार है, और इस हॉस्टल में भाई एक स्विमिंग पूल भी है पर्सनल, तो वो ऊपर में है, उसको आपको मैं कल दिखाता हूँ, कल नहाते वहाँ। अभी फ़िलहाल चलता हूँ भाई मैं वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ, क्योंकि मेरे को ये सब तो आपको दिखा ही चुका हूँ, क्लब व्लब ये सब तो आपको खास आम में दिखा चुका हूँ। अब वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ चलते हैं, वॉकिंग स्ट्रीट का क्या है मामला आपको दिखाता हूँ। हॉस्टल में डिपॉजिट 300 baht मैंने डिपॉजिट किया, वो मैं रिटर्न जाते हुए मेरे को मिल जाएगा, लेकिन अभी स्कैम बहुत हो रहा है भाई डिपॉजिट वाले में। तो जब भी डिपॉजिट करे तो सबसे पहले वीडियो बना ले, और पासपोर्ट तो भूल के भी डिपॉजिट ना करे। पासपोर्ट का क्या सीन हो जा रहा है पता है? पासपोर्ट देने के बाद वो लोग रिटर्न कर ही नहीं रहे हैं, ऐसा है। तो भाई पासपोर्ट के बिना आपका यहाँ कोई औकात ही नहीं है, सो पासपोर्ट तो भाई डिपॉजिट में कभी ना रखें। वो लोग पूछते हैं पासपोर्ट और 300 baht, तो मैं बोला भाई 300 baht ऑनली। तो चलते हैं भाई इधर,
यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, अगर मैं थक गया तो मैं बुला लूँगा कैब, लेकिन फ़िलहाल अभी थका नहीं हूँ, अभी नहा धो के निकल चुका हूँ, तो भाई एनर्जी है, अभी तो फुल एनर्जी है, पटाया आने की खुशी में तो फटते थे एनर्जी। चलते हैं जहाँ मेरा हॉस्टल है उस एरिया पे पूरे के पूरे फॉरेनर, पूरे के फिर बाहर वाले ही मिलेंगे, कोई इंडियन नहीं था वहाँ, तो नहीं इतने दूर कोई इंडियन रहेगा वहाँ, तो भाई मैं गलती से ले लिया हूँ इतने दूर हॉस्टल, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को लगा कि पास में ही होगा करके। और यहाँ से भाई कैब ले रहे अराउंड 150 रुपीज़ जाने का, आने का भी 150 रुपीज़ लगभग समझ लो, लेकिन भाई अभी बताया ना, अभी मेरे अंदर बहुत जोश है, तो अभी मैं पैदल चलते हुए जा रहा हूँ, और मैं जब भी कोई भी ट्रिप में जाता हूँ तो मैं ज़्यादातर पैदल ही चलता हूँ हमेशा, तो बस वही है कि भाई अगर घूमने आए हो तो क्या है, हर चीज़ सुविधा से करोगे तो क्या ही मतलब है, कुछ चीज़ पैदल भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, जैसे ये एक पता नहीं क्या दिन में अच्छा दिखेगा लग रहा है भाई, एकदम रिच वाली लुक आ रहा है इधर, पता है आजू बाजू सब तरफ एकदम सही से। इस एरिया को भाई बोलते हैं जोमेटिन, जोमेटिन करके कुछ है उस पर, यही इस एरिया को पूरा यही बोलते हैं, और इधर है कुछ रेसिडेंसी है शायद, अच्छा दिख रहा है। चलो ये भाई सुपर टाउन जोमेटिन वॉकिंग स्ट्रीट, देखते हैं इस स्ट्रीट पे क्या है, एकदम ठंडा चल रहा है यहाँ का माहौल, तो सिर्फ पीना खाना चल रहा है यहाँ, और क्लब है क्लब। ये वाला स्ट्रीट उनके लिए है जो पूरे के पूरे गे हैं भाई, पूरे गे लोगों के लिए, पूरे गे लोग भरे पड़े हैं, ऐसा बुला रहे थे ना कि पूछो मत, पूरे गे के गे लोग भरे पड़े हैं, जो भी बोलो ठीक है, सब सबका कल्चर अलग होता है, इधर का माहौल भी अलग होता है, देख रहे हो क्या है सीन। एक और बताना चाहता हूँ भाई, यहाँ पे पटाया पे भाई बस नहीं चल रही है, जो गवर्नमेंट बसें होती हैं वो नहीं चल रही है, तो देखा मैंने चेक किया, इसलिए भाई अब कैब का ही सहारा लेना पड़ेगा लग रहा है, मतलब पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे लग रहा है। बस भाई वॉकिंग स्ट्रीट में पहुँच ही गया, वो भी इसके साथ, अब इसको खाते हुए वॉकिंग स्ट्रीट पर एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पूरे इंडियन भरे भरे, पूरे के पूरे इंडियन ही इंडियन भरे भरे। वेलकम टू पटाया वॉकिंग स्ट्रीट भाई, स्वागत है आपका, तो चलते हैं पटाया स्ट्रीट, पटाया वॉकिंग स्ट्रीट एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या चीज़ हो रहे हैं, क्या क्या यहाँ हो रहा है, सब चीज़ आपको दिखाता हूँ भाई। ये देखो कौन है, पता नहीं कौन है, जो भी है अच्छा लग रहा है, मैं भी आप बैठ सकता हूँ, और यहाँ शुरू में ही पटाया पुलिस है, पुलिस की इतनी सारी फोर्स है, यहाँ पे तो मेरे को 80% इंडिया नहीं दिख रहे, पूरे के पूरे इंडिया। अभी कुछ कल पर तो इंडियन देख के खुश होता था, लेकिन आज इतने सारे इंडियन देख के खुश नहीं हो रही है मेरे को, इंडियन नहीं देखना है भाई, मेरे को पूरे इंडियन भरे पड़े ना, पूरे के पूरे इंडियन। क्लब है और पूरा हिंदी गाना चला रहे हैं ना लोग, हिंदी गाना, समोसा हाउ मच, 10 baht 25 रुपए भाई, एक तो 25 रुपए,
पूरे के पूरे बार एक नंबर है भाई, पूरे के पूरे बार एक नंबर। लेकिन जो भी बोलो निकला है भाई, क्लब में जाने के लिए कैसे बुला रहे हो? और ना बताए आपको, यहाँ इंडियन भी काम में लगे हुए हैं, काम धंधा नहीं मिल रहा है तो यहाँ आके काम कर सकते हो भाई लोग आप लोग। मैं भी आऊंगा यहाँ काम करने के लिए। हाँ भाई गन से फायर भी कर सकते हैं। टॉप हार्ट पिस्टल के 15 शॉट मिलेंगे और राइफल में 200 हाथ लगेंगे 50 शॉट। लेट्स गो। पूरे इंडियन है भाई, पूरे के पूरे। पुलिस भी बैठी है यहाँ पे, बैठ के आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है यहाँ की पुलिस भी इन्हीं के साइड रहती हैं, तो आपका बहुत कम मदद हो सकता है मेरे ख्याल से। लेकिन ठीक है भाई, मदद तो लेना ही पड़ेगा अगर कुछ हो। भाई एक इसमें बैठा था, मेरे को गलत रास्ते में ले जा के छोड़ दिया, लेकिन ठीक है, जगह तो एकदम अच्छा है भाई। कार देखो भाई, भाई इसी मतलब वो वाले में बैठा था, मेरे को अपोजिट साइड लेके आ गया 10 किलोमीटर दूर, समझ रहे हो। और इसका भाई 10 भाट जैसे बस में लगता है पैसे, वैसे इसमें 10 भाट लगता है। अब यहाँ से मैं वॉकिंग स्ट्रीट में जाऊँगा, वॉकिंग स्ट्रीट से भाई 10 किलोमीटर दूर ला लिया, वाह। अब इसमें से मैं जाऊँगा भाई वॉकिंग स्ट्रीट, उसके बाद वहाँ से जाऊँगा मैं अपने होटल, मेरा होटल है वहाँ से 4 किलोमीटर दूर। तो चलते हैं भाई इसका भी सफ़र। वो देखो जितने भी साइड में बैठे हुए इस रोड में भी बैठे हैं, ये देखो सब के सब प्रोस्टिट्यूट हैं। अरे यहाँ मिला है मेरे को कुछ खाने का, तो कुछ खाते हैं भाई। ये है भाई इंडियन मेन्यू, अब इसमें आपको दिखाता हूँ। पानी है 20 भाट का, 50 रुपये का, चलो ठीक है। वाइन वोडका से अपने को मतलब नहीं, अब बिरयानी पे आते हैं। जीरा राइस भाई 90 भाट का, 90 भाट मतलब 9, 9, 18, 18 और 45 हो गया, 225 रुपये का भाई, 225 रुपये का आपको जीरा राइस मिलेगा। वेज बिरयानी मिलेगा 150 यानी हो गए 375 हो गए आपके 375 रुपये भाई, 375 का आपका वेज बिरयानी मिलेगा। और बस
अब देख लो भाई, एक रोटी तंदूरी रोटी 35 भाट का, 35 70 और आपका हो गया 7 7 14 17 18 70, मतलब आपका 84 रुपये का खाली एक रोटी आएगा भाई। वाह भाई क्या ही सीन है भाई, बहुत महंगा है, मतलब फट्टे से महंगा है, बहुत महंगा। तो अपन चलते हैं भाई सीधे होटल की और अपन खा लेंगे कुछ थाई फूड जो कि मिलता है थोड़ा बहुत सस्ता, लेकिन वो भी फट्टे से महंगा रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं भाई। मेरा पैर वैर बहुत दर्द दे रहे हैं, अब मेरे को सीधे अब होटल दिख रहा है, अब सोऊंगा भाई सीधे। अभी जिसमें बैठ के आ रहा था भाई वो थोड़ा ऑटो की तरह है, उसमें सिर्फ 10 भाट लेते हैं, 10 भाट, और वो चलते जाती है उसमें, आगे में बैठे रहते हैं ड्राइवर और पीछे से जैसे आपको रोकना है आप बैठे हुए हो तो उसमें एक घंटी बजी होती है, घंटी को दबाओगे तो वो रुक जाते हैं, और बस की ही तरह है समझो, 10 भाट बस लेते हैं। अभी ये मेरे को 500 मीटर दूर पर छोड़ दिए हैं, तो अभी मेरे को पैदल चल के जाना पड़ेगा। इसमें एक बस में ऐसा मामला है कि पता चल जाता है उसमें कि हाँ ये वाली बस यहाँ तक जा रही है वाली, इसमें मेरे को अभी तक समझ नहीं आया है। इसमें भी नंबर्स लिखे हुए हैं लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इसका कोई ऐप भी होता है कि क्या है कैसा है, फिर पता चल जाए तो ठीक है, लेकिन क्या ही मतलब, कल का दिन बस बचा है मेरे पास, परसों मेरे को वापस से निकल लेना है। तो चलते हैं भाई अपन होटल की तरफ, खाना वाना खा के अब सो जाएंगे। पूरा भाई पैदल चल के गया था, हालत ख़राब हो गई भाई, अब पैदल नहीं चलूँगा। मेरे को पता ही नहीं था कि भाई यहाँ पे ऐसा ये ऑटो वाला सिस्टम भी होता है, तो पहले पता होता तो बैठ जाता। खैर कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करने में थोड़ा टाइम लगता है, और एक बार पता चल जाए तो पूरा मामला बन जाता है, ठीक है कोई बात। भाई होटल पहुँच गया था, अभी नहा धो के वापस से मैं आ चुका हूँ 7-Eleven में भाई। 7-Eleven में अब मैं कुछ ख़रीदता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है भूख, और सारे शॉप हो चुके हैं बंद, तो मैं क्या ख़रीदूँ मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, क्या ख़रीदना चाहिए मेरे को, ये राइस विद सुशी क्या क्या है मेरे को चाहिए भाई, कुछ हैवी जिससे मेरा पेट भर जाए। सबसे पहले तो मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ, ये बास्केट, ठीक है। तो इस बास्केट में सबसे पहले भाई मैं बर्गर खाऊंगा, क्या खाऊंगा, बर्गर, बुर्गीर, बुर्गीर, बुर्गीर खाऊंगा, बुर्गीर। कौन सा खरीदूं बताओ, ये है मेरे को कौन सा है, पॉर्क चीज बर्गर, इजी टेस्ट ब्रांड पॉर्क बर्गर, बेकॉन एंड चीज, और जूसी स्पाइसी पॉर्क बर्गर विथ चिकन इजी टेस्ट ब्रांड, और ये पॉर्क चूस चीजी बर्गर, दोनों जूस सॉस बर्गर पॉर्क स्पाइसी, देखते हैं भाई कौन सा लेते हैं। मैं लेता हूँ भाई चीज़ चिकन चीजी बर्गर इजी टेस्ट ब्रांड, या फिर लूँ डबल पॉर्क एंड चीज, डबल पॉर्क तो खाते रहता हूँ, डबल चिकन मिल जाए, चीजी पॉर्क बर्गर, चिकन स्टिकी बर्गर, और पॉर्क चिकन, पॉर्क चिकन, पॉर्क चिकन, कौन सा ख़रीदूँ, कोई भी शायद ख़रीद लेता हूँ, ये मेरे को थोड़ा बड़ा लग रहा है इसको ख़रीदता हूँ, 45 का है, 45 चिकन इस, ये ख़रीद लेता हूँ, उससे बढ़िया भाई मैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे की ओर, और यहाँ से भाई मैं ख़रीदता हूँ सबसे पहले, क्या ख़रीदूँ यहाँ से, यहाँ से मैं क्या ख़रीद सकता हूँ, कुछ तो ख़रीद सकता हूँ, ये ख़रीद सकता हूँ भाई ये, ठीक है, समझ नहीं है पता नहीं क्या है लेकिन ख़रीद सकता हूँ। अब चलते हैं अपन किधर, किधर चले अपन, पानी का बॉटल, नो होटल में है भाई पानी का बॉटल, तो वो खाएंगे ना, पियेंगे मतलब, और
और क्या है, अंडा है, अंडा। बस भाई अब तो ना चलते हैं, इतना कोई बिलिंग करा लेते हैं, उसके बाद खाते हैं कुछ। लेट्स गो। और ये है भाई मेरा डोमेट्रो। अब सोता हूँ भाई, मैं नींद आ रहा है।